हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टाटा मोटर्स ने अपने सितंबर क्वार्टर का नतीजा अनाउंस कर दिए हैं और क्या शानदार नतीजे रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं सितंबर क्वार्टर के नतीजे। दोस्तों, टाटा मोटर्स ने सितंबर क्वार्टर में 29% की जंप दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस। सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू रहा है 79,611 करोड़, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 61,378 करोड़ था। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखेंगे, जैगवार और लैंड रोवर में रेवेन्यू रहा है 39,290 करोड़, वही टाटा कमर्शियल व्हीकल्स में रेवेन्यू रहा है 16,400 करोड़, वही टाटा पैसेंजर व्हीकल्स में 12,500 करोड़। एबिटा देखेंगे तो एबिटा सितंबर क्वार्टर में 7,700 करोड़ रहा है और एबिटा मार्जिन रहा है 9.7%, 132 बेसिस पॉइंट की जंप आई है एबिटा मार्जिन में। देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। दोस्तों, टाटा मोटर्स का लॉस पहले से काफ़ी कम हुआ है। लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में टाटा मोटर्स ने लॉस रिपोर्ट किया था 4,441 करोड़ रुपीस, जो कि कम होकर 944 पर आ गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वही ईपीएस देखेंगे यानी अर्निंग पर शेयर, तो उसमें 2.47 रुपीस रहा, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में -15 रुपये था। टाटा मोटर्स का चार्ट देखेंगे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं टाटा मोटर्स का डेली चार्ट है और इसमें हमें एक सम सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 435 रुपये पर। सपोर्ट लेवल है 391 रुपीज़। वही आरएस देखेंगे यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो वो भी पॉजिटिव हो रहा है, यानी आगे चलकर स्टॉक में काफ़ी तेज़ी आने वाली है। तो ये था आज का अपडेट। आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू।